सैमी आर्ट ऑफ द बेस आप तैयार किया है पूरा मैटल दे वर्क दे विच तो ही वेख सकते हो कम साडा फुल सॉलिड कम है डीएस थार मॉडिफिकेशन आज आपके लिए मैं ओल्ड थार को हमने मॉडिफाइड किया है जे हमने गाड़ी को लिफ्ट और हार्ड टॉप किया है। अब सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आप हार्ड टॉप के साथ क्या काम करते हो और क्या क्या इंटीरियर आप इंक्लूड करते हो तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो इसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती है वुडन यूज़ होता है या फिर मेटल यूज़ होता है आप वीडियो का पूरा लास्ट तक देखो इसमें हम बताएंगे कि सेमी ऑटो में क्या चीज़ें इंक्लूड है क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जे हमने पहले आप लिफ्ट के बारे बात करते हैं ये गाड़ी को डायना प्रो हैंडकुक के टायर डले थे 33 इंच के जो कि इसके लिफ्ट के पहले ये गाड़ी इनसे टच होती थी। अब इसका आप देख सकते हो डिस्टेंस कितना हो गया है हमने 3.5 इंच ही गाड़ी को लिफ्ट किया है पूरी को जे आप इसकी हाइट देख सकते हो जे अब प्रॉपर लिफ्ट हो गई है कि गाड़ी आपकी टच नहीं हो सकती 33 इंच के साथ। जगर आपने गाड़ी लिफ्ट नहीं करनी मैं आपको बोलूँगा कि सिर्फ आप 31 इंच का एम्प्टी टायर डालो जगर आप 33 इंच का टायर डालोगे तो आपको गाड़ी कंपल्सरी लिफ्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आगे इसकी सस्पेंशन होती है तो सस्पेंशन के साथ इसका ये बहुत जल्दी टच हो जाता है जो कि गाड़ी को काफ़ी मिसबैलेंसिंग कर देती है। अब बात करते हैं हमने हार्ड टॉप के बारे जे हमने तरपाल के अंदर सेमी हार्ड टॉप का काम किया है जे आप एक बार इसका राउंड देखकर दिखाता हूँ आपको गाड़ी की फिनिशिंग जे आप चेक कर सकते हो क्वालिटी हमारे काम की प्रॉपर फिटिंग के साथ जे रूफ के ऊपर हमने हमर लाइट फिट की है। अब बात करते हैं सेमी हार्ड टॉप के बारे सेमी हार्ड टॉप जो होता है हमारा यहाँ पर हम मेटल का स्ट्रक्चर डालते हैं पूरी गाड़ी के अंदर जो कि इसके अंदर बाद में वुडन का काम होता है। वुडन का काम होने के बाद हम गाड़ी इंसुलेट वाटरप्रूफिंग करते हैं और अंदर से पूरी जे आप चेक कर सकते हो पूरा इंटीरियर 70x सा करते हैं जो कि बहुत सारे मॉडिफिकेशन वाले हैं कि ऊपर का रूफ कोई और होता है नीचे डिज़ाइन प्लेन का रूफ का डालते हैं हम प्रॉपर 70 इंटीरियर के साथ करते हैं। आप काम की फिनिशिंग चेक कर सकते हो पूरा जे कस्टमर ने कवर चेंज नहीं किए क्योंकि बोलता था कि मैं कुछ टाइम के बाद सीटें चेंज करने की सोचना है जे हमने पीछे का डोर बना कर दिया है जो कि आप टायर का वेट देख सकते हो इसके साथ कोई नॉइज़ नहीं आएगी हम जो पीछे का डोर डिज़ाइन करके देते हैं ये प्रॉपर नॉइज़ फ्री डोर बना कर देते हैं हम ये आप चेक कर सकते हो ये गाड़ी पूरी सॉलिड है वाटरप्रूफिंग है और सब कुछ है। आप इस पर पानी डालो जो मर्जी करो पानी अंदर नहीं आएगा ये हमारी गारंटी है। तो आप काम को चेक कर सकते हो ये जो ग्लास है ये हम टफन के ग्लास डालते हैं पूरे फुल सॉलिड देख सकते हो नहीं तो सिंपल होता ग्लास तो ये आपका ब्रेक हो गया होता। ये ऊपर हम लोहे का काम करते हैं रूफ के ऊपर अभी आप मैं इसके ऊपर दिखाऊंगा आपको पूरी ये आप चेक कर सकते हो गाड़ी यहाँ पर आपको सभी को पता है यहाँ पर कोई स्पॉट नहीं होती ये आप चेक कर सकते हो हमारी सॉलिड गाड़ी की निशानी जे आप हार्ड टॉप की देख सकते हो हमारा सॉलिड जे आप चेक कर सकते हो जे आपको सभी को पता है यहाँ पर कुछ नहीं होता तो हमने पूरा रूफ पूरा हार्ड करके बनाया होता है जे आप चेक कर सकते हो काम को
अब मैं गाड़ी के नीचे उतर, ये सेमी हार्ड टॉप को बनाने के लिए हमें 5 से 6 दिन लगते हैं। आपने कहीं दूर से आना है या हमारे से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हम भाई इस दिन आएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको थोड़े दिन में जल्दी भी फ्री कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो काम रहता है, मैं आपको सेमी हार्ड टॉप के बता दूं कि बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम आती है। ये सेमी हार्ड टॉप के अंदर ये रूफ का इंटीरियर और साइड, और ये हमने डोर के ऊपर करके दिया है, और पीछे का डोर, ये इन पैसों में इंक्लूडेड होता है। बाकी सीट कवर, मैटिंग, ये सभी काम एक्स्ट्रा रहता है। ये हमने हमर लाइट फिट करके दी है, ये आप प्रॉपर देख सकते हो, एक साथ डिस्टेंस रखा, और पानी की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी रहती है हमारी। तो ये सीट कवर और मैटिंग का खर्चा अलग से रहता है, ये सेमी हार्ड टॉप का खर्चा जो आपको इसी पैसे में मिलेगा। ये 5 से 6 दिन लगते हैं हमें बनाने के लिए। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन हैं अंदर रूफ के, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, DS थार मॉडिफिकेशन पर, उस पर डेली अपडेट देता रहता हूँ। तो मेरा काम अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप शेयरिंग। थैंक यू सर।